जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न वन पर। दोस्तों आज हम लोगों को बाजीराव फर्स्ट के बारे में चर्चा करनी है। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको मिस्टर शाहू जी और उनके पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी के बारे में बताया था, और अब पेशवों के क्रम में अगर हम चलते हैं तो बाजीराव फर्स्ट का जिक्र हमारे पास आता है। जो बाजीराव फर्स्ट थे ये पेशवा पद पर 1720 से 1740 के मध्य रहे हैं। तो देख लेते हैं इन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाने के लिए। तो देख लेते हैं, तो जो बाजीराव फर्स्ट थे ये बाजीराव फर्स्ट के कार्यकाल को या फिर इनके अधीन जितने भी चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों को हम छोटे छोटे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हम लोग देख लेते हैं कि इनका एक साधारण सा परिचय, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई कि ये जन्म कहाँ से हुआ है, कौन इनके फादर या मदर, और दूसरा हम लोग देखेंगे डिवाइड करके इनके अभियान, जो इनके इम्पॉर्टेंट अभियान रहे हैं। ठीक है, बस दो टुकड़ों में हम लोगों को डिवाइड करके पढ़ना है, कितनी आसान सी बात है। तो देख लेते हैं पहले वाला जो इनका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो बाजीराव फर्स्ट हैं। बाजीराव फर्स्ट का जन्म सन 1700 ईस्वी में हुआ था। ये जो सन 1700 ईस्वी है, 18 अगस्त सन 1700, 18 अगस्त सन 1700 ईस्वी में जो महाराष्ट्र के अंतर्गत नासिक जिला है उस नासिक जिले में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी हैं बालाजी विश्वनाथ इनके फादर हैं, जो रियल फादर हैं। कई सारी बुकों में हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है कि जो बाजीराव फर्स्ट हैं ये शाहू के जो है पुत्र रहे हैं। दरअसल वो बुके भी गलत नहीं है, वो पुत्र इस वजह से बोल दिया करते हैं क्योंकि जो बाजीराव जो मिस्टर शाहू जी थे, शाहू जी ने धीरे धीरे अपने सारे के सारे अधिकार जो एक छत्रपति के पास हुआ करते थे वो धीरे धीरे अधिकार पेशवा पद को देने शुरू कर दिए थे, और पेशवा को ही उन्होंने अपना पुत्र के समान मानना शुरू किया था, जिस वजह से कई किताबें जो पुत्र बोलती हैं वो बाजीराव फर्स्ट को शाहू जी का पुत्र बोलती हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में जो रियल थे वो बालाजी विश्वनाथ रहे हैं। इनकी जो माताजी थी, नाम था उनका राधाबाई बारवे, इनकी मदर थी। बाजीराव फर्स्ट को एक और अन्य नाम से हम लोग जानते हैं, इनको बाजीराव भल्लाल के नाम से जाना जाता है, बाजीराव भल्लाल, बाजीराव भल्लाल के नाम से इनको जाना जाता है। एक इनका अन्य दूसरा नाम है शिवाजी, जो अपने लिए अपने क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं अपने सैन्य कुशलता के आधार पर, प्रशासन के आधार पर। जो शिवाजी ने एक युद्ध पद्धति शुरू की थी गोरिल्ला युद्ध, उस गोरिल्ला युद्ध को दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम इन्हीं भाई साहब ने किया था, बाजीराव फर्स्ट ने। तो शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ करने वाले पहले ये व्यक्ति रहे हैं। इनको जो मिस्टर शाहू जी, जो अभी एट प्रेजेंट में यहाँ पर छत्रपति पद पर विराजमान हैं, मिस्टर शाहू जी ने इनके लिए एक शब्द भी कोट किया था कि यह योग्य पिता का योग्य पुत्र है। तो पूछा जा सकता है कई बारी कि भाई ये शब्द किसने किसके लिए बोले, योग्य पिता का योग्य पुत्र किसके लिए, बाजीराव फर्स्ट के लिए, और किसने बोला, जो यहां पर उस दौरान छत्रपति थे, छत्रपति शाहूजी महाराज।
ठीक है, इन्हीं के ही टाइम ड्यूरेशन में जो मराठे थे, मराठे अब तक के इतिहास में सबसे पावरफुल होकर के निकले हैं। तो मतलब शक्ति के रूप में देखा जाए तो शक्ति के रूप में सबसे चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम बाजीराव फर्स्ट के टाइम ड्यूरेशन में हुआ है। तो मराठे, मराठों की शक्ति का चरमोत्कर्ष इन्हीं के ही समय में रहा है। मराठों की शक्ति का चरमोत्कर्ष इन्हीं के ही समय में रहा है, ठीक है। तो अब ये शक्ति का चरमोत्कर्ष कैसे रहा है, अब हम लोग इन सब चीज़ों को जानेंगे इनके अभियानों के माध्यम से। जो इनके अभियान रहे हैं, इनके अभियानों को मैं चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। भारत के अन्य अलग अलग इलाकों में इन्होंने अपने परचम लहराए हैं, तो उन परचमों का कुछ ना कुछ इतिहास भी रहा होगा, जिस करके हम लोग इनके अभियानों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इनके अभियानों में एक सबसे पहले हम लोग इनका अभियान पढ़ेंगे निज़ाम के विरुद्ध, ठीक है। तो अभियान किसके विरुद्ध, निज़ाम, निज़ाम के विरुद्ध। ये जो निज़ाम थे, यहाँ पर निज़ाम ये हैदराबाद में थे, दक्षिण भारत में हैदराबाद के ये निज़ाम हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को मैंने आपको पहले बताया भी था कि जो यहाँ पर मराठों का मैप हुआ कर मराठों का जो क्षेत्र हुआ करता था, इन क्षेत्र इनके क्षेत्र की टेरिटरी दक्षिण भारत में तो मैसूर से मिलती थी, और उस तरफ जो इसके ईस्टर्न साइड था, ईस्टर्न साइड में इनके जो निज़ाम था, निज़ाम से कहीं ना कहीं मिलती थी, और नॉर्दर्न साइड की तरफ चलें तो कहीं ना कहीं बीजापुर, गोलकुंडा जैसे शासकों के साथ इनकी टेरिटरी मिला करती थी, और वहीं उनका मुगलों को भी कहीं ना कहीं क्षेत्र हम लोग देखते हैं। तो एक तरीके से तीनों ओर से लगभग लगभग घिरे थे। तो दक्षिण में अगर अपने वर्चस्व को और अच्छी तरीके से लेकर के चलना है, तो दक्षिण भारत की जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं धूल चटानी होगी, जो अपने आप को सुपीरियर मानती हैं। तो उस ही कड़ी में इन्होंने यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध धीरे धीरे अपनी कार्रवाइयाँ करनी शुरू करते हैं। जो हैदराबाद के निज़ाम थे, हैदराबाद के निज़ाम ने दक्षिण भारत में अपने आप को यहाँ का वॉयसराय के रूप में जो है नॉमिनेट किया था। वैसे अपने आप को नहीं बोल सकते हैं, सम्राट के माध्यम से ही नॉमिनेट करवाया था, क्योंकि सम्राट के ऊपर इनका बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ करता था। और दक्षिण भारत की राजनीति में भी इन्होंने एक मुगलों के सूबेदार को हराया, पराजित किया, और पराजित करने के बाद इस पूरी की पूरी टेरिटरी को इन्होंने अपने लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं यहाँ का जो है ये सूबेदार हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ वॉयसराय हूँ, ठीक है। तो वो जो कहानी शुरू होती है इसके इनकी निज़ाम की, वो कहानी यहाँ से शुरू होती है। 23 जून 1724 को एक युद्ध होता है, सुकरखेड़ी का युद्ध। इनकी कहानी शुरू होती है 23 जून 1724 को होता है सुकरखेड़ी का युद्ध, इस सुकरखेड़ी के युद्ध में ये जो मुगलों के जो सूबेदार थे, सर सूबेदार थे यहाँ पर, नाम था उनका मुबारिज खां, उनको परास्त करते हैं। ये मुबारिज खां ये सूबेदार हुआ करते थे किसके, मुगलों के ये सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है। इनको इन्होंने पराजित किया, और इनको इन्होंने यहाँ पे परास्त करके इन्होंने दक्षिण भारत में इस हैदराबाद क्षेत्र पर एक अलग से ही अपने स्वामित्व की घोषणा कर दी। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई एक बड़ी शक्ति यहाँ पर आ जाती है और दूसरे की टेरिटरी पर अधिकार जमा करके अपने आप को सुप्रीम घोषित करती है, तो जाहिर सी बात है वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक स्तर तक जा सकता है व्यक्ति, और अपने एरिया को एक्सपेंड भी करने की कोशिश कर सकता है। एक्सपेंड करने का जो रीज़न होगा, लॉजिक होगा, वो तो परस्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुप्रीम घोषित करने में लगे हुए हैं, जैसे मराठे और मैसूर। तो वो चीज़ तो, वो पॉइंट तो ख़त्म, लेकिन अपनी टेरिटरी की तो भाई साहब रक्षा करनी पड़ेगी।
तो अगर टेरिटरी की रक्षा करनी है तो सीधी सी बात है, अपने आप को बलवान ज़्यादा करना पड़ेगा, अपने आप को आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से सक्षम करना पड़ेगा, और उसके लिए भाई साहब जाहिर सी बात है पैसे और सेना की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी अभी नया सेटअप डाला है तो अभी अभी तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो फिर एक काम कर लेते हैं कि जो दूसरे की टेरिटरी है ना, दूसरे को कमज़ोर कर देते हैं। अब कमज़ोर करने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। अब उन्हीं हथकंडों में ये अपनाएंगे मराठों के विरुद्ध, और फिर उन्हीं में ही ये फंसे रह जाएंगे, और उन्हीं का ही फायदा उठा करके बाजीराव फर्स्ट इनके ऊपर आक्रमण भी कर देते हैं। ये जो हैदराबाद के निज़ाम थे, ये मराठों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, बहुत ज़्यादा ये ईर्ष्या किया करते थे मराठों से। ईर्ष्या इस कदर हुआ करती थी कि भाई साहब ये हमारी टेरिटरी पर बिल्कुल भी कंट्रोल ना कर ले आकर के, कि जाहिर सी बात है सुपर पावर से हर कोई लगभग डरता ही है, जिसके लिए इन्होंने अब मराठों के अंदर फूट डालने का प्रयास करना शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1707 में एक खेड़ा का युद्ध हुआ था, अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसके तहत मराठे दो भागों में विभाजित हो गए। एक ब्रांच उनकी सतारा चली गई और एक ब्रांच उनकी कोल्हापुर चली गई। जो कोल्हापुर वाली ब्रांच थी वो सतारा वाली ब्रांच से बिल्कुल खौफ खाए बैठी हुई थी, या फिर वो उनके एंटी हुई थी। सतारा वाली ब्रांच पर शाहू का नेतृत्व हुआ करता था, कोल्हापुर वाली ब्रांच पर ताराबाई का नेतृत्व हुआ करता था। ताराबाई के बाद उनके पुत्र वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ की कमांड को संभालते हैं शंभूजी। तो यहाँ पर शंभूजी के नेतृत्व में जो कोल्हापुर जो है बड़ी तरीके से शक्ति के रूप में उभर रहा था, और इस तरफ से पेशवा बाजीराव की जो सतारा वाली ब्रांच थी, पेशवा बाजीराव की ओर से जो है ये मराठे उत्कर्ष हो रहे थे। तो अगर तीसरे पक्ष को अपने आप को जो है सेफ रखना है तो इन दोनों पक्ष को हरा जो है लड़ा दो। तो ये जो निज़ाम थे, निज़ाम इस कोल्हापुर वाली ब्रांच के साथ जा करके जो है अंदरूनी खाने जा करके इनको धीरे धीरे सपोर्ट करने लगते हैं, सेना के रूप में पैसा दे दिया, इनको उत्साहने लगे कि जाओ आक्रमण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये धीरे धीरे ये कहानियाँ साल दो साल तीन साल तक चलती चली जाती है। जब ये चीज़ें धीरे धीरे भनक लगनी शुरू होती है बाजीराव फर्स्ट पेशवाओं को, तो यहाँ पर फिर इन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, ठीक। और उसी एक्शन में फिर यहाँ पर जो बाजीराव फर्स्ट थे, बाजीराव फर्स्ट निज़ाम के साथ जा कर के मुठभेड़ में लग जाते हैं, और यहाँ पर इनके बीच में होता है एक युद्ध, और उस युद्ध से यहाँ पर परिणाम घोषित हो जाते हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति में मराठों का ही परचम लहराने के लिए जा रहा है। ये जो युद्ध था, इस युद्ध से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस युद्ध को पालखेड़ी का युद्ध कहा जाता है, जो कि 6 मार्च 1728 को लड़ा गया था। पालखेड़ी का युद्ध ये 6 मार्च 1728 को ये युद्ध होता है। युद्ध किस किस के बीच में हुआ? सीधी सी बात है, हैदराबाद के निज़ाम और बाजीराव फर्स्ट के मध्य ये युद्ध होता है। अब युद्ध का परिणाम घोषित होता है, जिसमें मराठे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों के ऊपर प्रहार करते हैं और मराठे जीत भी जाते हैं। और इनकी हार से जाहिर सी बात है, जो हारा हुआ पक्ष है तो उसको अगर ये संधि करवाएंगे तो संधि की कहानी, जो संधि की शर्तें होंगी, जो यहाँ पर संधि की शर्तें होंगी, वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरवा किसकी मानी जाएगी? जो पेशवा जो जीते हैं। तो ये ऐसे ही यहाँ पर संधि होती है, और इस संधि में पालखेड़ी के युद्ध में संधि के तहत बोला जाता है पेशवा की साइड से, क्योंकि पेशवा इस संधि का नेतृत्व कर रहे थे मिस्टर शाहू जी के ओर से, बोला जाता है कि जो आप यहाँ पर शंभू जी के सहायता कर रहे हो, अब से आप ये सहायता नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपके ही रीजन में अब आपसे मराठे चौथ और सरदेशमुखी की वसूली करेंगे। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सरदेशमुखी और चौथ अगर दूसरे की टेरिटरी में आप जाकर के ले रहे हो, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति आपके सिक्के को मान चुका है, ठीक है। बहुत बड़ी बात थी
कि एक स्वतंत्र राज्य पर फिर दोबारा से एक स्वतंत्र राज्य के ऊपर जाकर के आप सरदेशमुखी और चौथ की वसूली कर रहे हो, जो पहले कभी मुगलों की टेरिटरी में भी ऐसे कर किया था बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में। तो यहां पर सरदेशमुखी और चौथ की वसूली का अधिकार दे दिया जाता है किसको? पेशवा को। ठीक है, दूसरी बात यहां पर एक छोटी छोटी सी वो भी चीजें रखी कि जो भाई साहब विजित प्रदेश है, आप लोगों ने जो हमारी टेरिटरी के क्षेत्रों को जीता है वो क्षेत्र आप हमको लौटाएंगे, जो आपने अपने यहां पर हमारे लोगों को बंदी बनाया हुआ है उन बंदी लोगों को आप लोग छोड़ेंगे। ये कहानी यहां से बनती है, पालखेड़ी के युद्ध से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारत की राजनीति में अब लोहा जो मनेगा वो मराठों का ही लोहा मनने के लिए जा रहा है। अब सीधी सी बहुत बड़ा इंडिकेशन जाता है, अब उत्तर भारत की राजनीति में सीधा बहुत बड़ा इंडिकेशन जाता है कि दक्षिण भारत में एक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जो कि शक्ति किसकी थी? मराठों की शक्ति थी। अब यही जो दक्षिण भारत की राजनीति पर इस तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो अब ये धीरे धीरे उत्तर भारत की राजनीति की तरफ चलना शुरू करते हैं। और उत्तर भारत की राजनीति में आकस्मिक रूप से भगवान की भी इच्छा थी शायद कि इनको उत्तर भारत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पहुंचा दिया जाए। उम्मीद है आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो नाम तो सुना ही होगा, बाजीराव मस्तानी नाम सुना होगा। भले ही मूवी देख भी ली होगी तो बहुत अच्छी बात है, उस मूवी का संबंध दिखाया गया है बुंदेलखंड से। भले ही उसमें बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें मस्तानी के साथ शादी वादी करवा दी हो वो बात अलग है, लेकिन कहानी बिल्कुल रियल है। अब उसकी कहानी देख लेते हैं यहां से। दूसरा जो इनका अभियान था बुंदेलखंड से, ये जो बुंदेलखंड है ये मालवा, ये मैं आज वाले बुंदेलखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दौरान के मैप की बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं जब इसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था पर्टिकुलर एक रीजन में। और उस दौरान इसकी अगर भौगोलिक या फिर ज्योग्राफिकली कंडीशन देखी जाए तो मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार के पूर्व की ओर ईस्टर्न साइड में जो यमुना और गोदावरी यमुना और नर्मदा नदी है इनके मध्य का जो क्षेत्र हुआ करता था, उस क्षेत्र को उस दौरान बुंदेलखंड के यहाँ पर छत्रसाल, यहाँ पर जो है राजा लोग उनके ऊपर ये अपना शासन चलाया करते थे। मैं लिख देता हूँ मालवा के पूर्व में यमुना और नर्मदा नदी के मध्य वाला ये क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र पर यहां पर पुराने समय से ही राजा महाराजा लोगों का जो है राज्य हुआ करता था। अकबर के समय से ही इस बुंदेलखंड राज्य को मुगल लोग अपनी सत्ता के अंतर्गत मिलाने की कोशिश में बहुत जद्दोजहद में लगे रहा हुआ करते थे। बट यहाँ की ज्योग्राफिकली कंडीशन, पहाड़ी वहाड़ी वाला क्षेत्र ऐसा हुआ करता था कि यहाँ के लोगों को वेटेज बहुत ज़्यादा दे दिया करते थे अन्य लोगों से। तो मुगलों के समय से शुरुआती दौर से ही इस क्षेत्र को हायर करने की जो है प्रतिस्पर्धा लगी रही हुआ करती थी अन्य जो भी उनके मुगल बादशाह आते रहे। अगर मैं इस क्षेत्र को देखूं तो मुगलों ने इस क्षेत्र को अपनी टेरिटरी माना हुआ था और इलाहाबाद के सूबेदार के अंतर्गत इस टेरिटरी को रखा हुआ था कि जो इलाहाबाद का सूबेदार होगा उस सूबेदार का ये कर्तव्य होगा कि भाई साहब इस पूरी की पूरी टेरिटरी का ध्यान रखे। और ये लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते थे और वो लोग बोलते थे कि ये हमारी टेरिटरी है, तो जाहिर सी बात है द्वंद्व की स्थिति बनी। तो यहाँ पर बुंदेलखंड में कहानी शुरू होती है जब मुगलों की तरफ से बुंदेलखंड के लिए या फिर मैं कह सकता हूँ इलाहाबाद के लिए एक नया सूबेदार अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर जो नया सूबेदार नियुक्त किया गया था, सूबेदार का नाम था मोहम्मद खा बंकश। ठीक है, ये जो बुंदेलखंड था ये इलाहाबाद के अंतर्गत आता हुआ करता था और इस इलाहाबाद का, और जाहिर सी ये समझ लेना इलाहाबाद को आज के समय में प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, एक सूबेदार नियुक्त किए थे
मोहम्मद खां बंकश, मोहम्मद खां बंकश, मोहम्मद खां बंकश, ये इलाहाबाद के सूबेदार के रूप में नियुक्त किए। और मोहम्मद खां बंकश का बैठते ही यहाँ पर इलाहाबाद की सूबेदारी पर सबसे पहला इन्होंने बोला कि अभियान सबसे पहले हम करेंगे इस बुंदेलखंड पर, इस बुंदेलखंड को हम लोग अपनी टेरिटरी में जा करके अंतर्गत इसको लेकर के आएंगे। अब अगर ये अभियान इस तरीके से छेड़ता है तो बुंदेलखंड के जो नरेश या फिर राजा होंगे वो भाई साहब उनको भी लगेगा कि यार कैसी बात हो गई है, तो वो अपनी सेना को लेकर के चारों तरफ से हमको घेर लेगा और हमारी टेरिटरी चली जाएगी। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड के नरेश हुआ करते थे, राजा नरेश छत्रशाल उनका नाम हुआ करता था, उन्होंने मराठों से मदद मंगवाई। अब वो बात अलग है, मूवी में मस्तानी को भेजा था, अब ये अगर हम लोग वैसी कहानी में देखें तो शायद वो मस्तानी को नहीं भेजा था, अपने दूत लोगों को भेजा था, ठीक है। अब हम उस कहानी में नहीं आते हैं, बट कहीं ना कहीं कहानी में कुछ ना कुछ सत्यता के प्रमाण हमारे पास नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड के नरेश थे या फिर राजा थे छत्रसाल, छत्रसाल ये मदद मंगवाते हैं मराठों से, मराठों से ये मदद की डिमांड करते हैं कि भाई साहब हमारी मदद कर दो। एक हिंदू होने के नाते, एक हिंदू क्षेत्र के क्षेत्र को यहाँ पर इन जो मुगलों की टेरिटरी, मुगलों में ना जाना दिया जाए। और इतिहास गवाह है, पूरे के पूरे शिवाजी महाराज के बाद जितने भी टोटल पेशवा हम लोग देखते हैं, बालाजी विश्वनाथ से लेकर के और अंत तक बाजीराव सेकंड तक, जो भी जितने भी हम पेशवा देखते हैं, उन सब में एकमात्र ऐसे ये बाजीराव फर्स्ट थे जो हिंदू पादशाही के ऊपर अपना हिंदू पादशाही को धारण किए हुए थे, और किसी भी व्यक्ति ने हिंदू पादशाही को धारण नहीं किया हुआ था, आप लोग ये बात ध्यान रखना। तो मतलब हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर था, और हिंदुत्व की बात अगर कोई कर दे तो भाई साहब हम आपके साथ हैं, हमारा खून भी आपके लिए है। तो यहाँ पर जो राजा छत्रसाल थे उन्होंने इसी हिंदुत्व की बात के लिए इनको बुलाया, पुकारा, और ये यहाँ से चल पड़े रातों रात इनकी मदद के लिए। वहाँ पर जा करके ये जो बुंदेलखंड का राजा हुआ, सॉरी बुंदेलखंड का सूबेदार हुआ करता था मोहम्मद खां बंकश, इस मोहम्मद खां बंकश को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त देते हैं। सन 1728 को ये युद्ध होता है, सन 1728 को यहाँ पर मुगलों को ये हरा देते हैं या फिर पराजित कर देते हैं, ठीक है, ये हरा देते हैं सन 1728 में मोहम्मद खां बंकश की इस पूरी की पूरी टीम को। यहाँ से जब ये टेरिटरी इनको जीत लेते हैं, और ऊपर से जो इलाहाबाद की टेरिटरी के अंतर्गत जो अन्य क्षेत्र आया करते थे या फिर जो पहले कभी बुंदेलखंड के अधीन आया करते थे और वो मुगलों ने अपने अधीन में ले लिए थे, उन क्षेत्रों को भी ये विजित कर लेते हैं और लौटा देते हैं नरेश छत्रसाल जी। इससे खुश होकर के नरेश छत्रसाल जी यहाँ पर मराठों को कुछ क्षेत्र अपनी निजी संपत्ति में से देते हैं भेंट, भेंट के रूप में, और उन क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी झांसी। आप लोग ध्यान से समझना, अब आगे जो झांसी है, झांसी का संबंध सीधा सीधा किससे, मराठों से होने वाला है। और रानी जो लक्ष्मीबाई जिसको आप बोलते हो झांसी की रानी, वो भी कहीं ना कहीं मराठों के परिवार से ही संबंधित थी, मराठों की ही बेटी थी, जिसकी शादी कहाँ पर, इसी झांसी में हुई थी, क्योंकि झांसी का इंटरलिंक अब कहाँ से, यहीं से होना शुरू हो जाता है राजा छत्रसाल के गिफ्ट देने के रूप में। तो यहाँ पर जो राजा छत्रसाल थे झांसी, और झांसी एक जगह और थी कालपी, कालपी झांसी, कालपी और हृदयानगर, 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 इन तीनों के तीनों क्षेत्रों को भेंट दे दिया जाता है, पुरस्कार के रूप में दे दिया जाता है नरेश के माध्यम से, जो नरेश छत्रसाल थे, ठीक है। तो ये कहानी मतलब बुंदेलखंड के विजय से इनको इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर उत्तर भारत में अपने पांव टिकाने को बहुत अच्छी तरीके से मिल गए।
अब इसके साथ साथ पैरेलल पैरेलल मैं एक क्षेत्र की और बारे में बात कर लेता हूँ, गुजरात के बारे में। गुजरात गुजरात ये जो गुजरात वाला क्षेत्र था, इस गुजरात वाले क्षेत्र का वेटेज कभी मुगलों के टाइम में अकबर के टाइम ड्यूरेशन से ही देखा जाता है। अकबर जब यहाँ पर पहली बार आते हैं तो अकबर ने सबसे अच्छे समृद्ध क्षेत्रों की सूची में इस गुजरात क्षेत्र को भी डाला था, क्योंकि प्राचीन काल से ही इस गुजरात क्षेत्र के बंदरगाहों से देश विदेशों के मध्य यहाँ पर व्यापार हुआ करता था, जो कि बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी माना जाता था। इसकी कहानी मराठों के बीच में भी चलती है। मराठे भी इस क्षेत्र को हायर करने के पीछे बहुत बार यहाँ पर आकस्मिक आक्रमण भी कर चुके हैं। कहानियाँ भी धीरे धीरे चलती चली गई मराठों और मुगलों के बीच में कि ये टेरिटरी किसके पास रही है, लेकिन अंततः अभी तक टेरिटरी है अकबर के बाद से यहाँ पर मुगलों के पास ही रही है। मैंने आपको पिछली बार क्लास में बताया था कि यहाँ पर जो विश्वनाथ जी थे, बालाजी विश्वनाथ जी थे, और सैयद जो बंधु थे, जो अली बंधु थे हुसैन अली, उनके साथ एक संधि होती है, और संधि के तहत यहाँ पर दक्षिण के 6 सूबों की चौथ और जो है सरदेशमुखी को वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है मराठों को। यहाँ पर जो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ ने गुजरात क्षेत्र को भी अपने अधीन में चौथ और सरदेशमुखी को वसूलने की डिमांड भी की थी उस संधि के तहत, जिसको ठुकार दिया था यहाँ पर हुसैन अली खान ने। अब होता क्या है भाई, बात तो लगी हुई थी कि भाई साहब ये वाला क्षेत्र अगर मिल जाए तो हम लोग आर्थिक रूप से और ज़्यादा संपन्न हो सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर उस तरफ से मुगलों की स्थिति कमज़ोर होती चली गई और इस तरफ से मराठों की शक्ति बढ़ती चली गई, और मराठों ने यहाँ पर आक्रमण पर आक्रमण करने शुरू किए। उसी आक्रमणों का दौर हुआ करता है कि सन 1730 में आकर के इस गुजरात वाले क्षेत्र की पूरी यहाँ पर सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार किसको, बाजीराव फर्स्ट को दे दिया जाता है। बाजीराव फर्स्ट के एक अल्प आयु वाले जो उनके पुत्र थे, उनके पुत्र के नाम पर ये वाला क्षेत्र के साथ उनकी संधि कर दी जाती है। तो सन 1730 में संधि हो जाती है किसकी, इस गुजरात को लेकर के, और यहाँ पर सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार भी दे दिया जाता है। ये इस तरफ सरदेशमुखी और चौथ का अधिकार मिला, और उस तरफ दक्षिण भारत में, क्योंकि अब देखो अलग अलग क्षेत्रों में इनकी स्थिति मजबूत होती चली जा गई है। निज़ाम को 28 में साफ कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर 28 में फिर दोबारा से बुंदेलखंड में एक और क्षेत्र के ऊपर विजय की, 31 में इन्होंने एक बहुत बड़े समृद्ध प्रदेश को अपने टेरिटरी में अपने अधीन कर लिया था। तो अब अगर शक्ति के रूप में ये बढ़ते चले जाएंगे तो भाई साहब जो इनके एंटी थे, कौन, दक्षिण भारत में जो कोल्हापुर वाली ब्रांच थी, अब उसको कहीं ना कहीं डर भय लगेगा, और उस डर भय में ही वो संधि कर जाते हैं सन 1731 में, 1731 में एक वारनाकी संधि होती है, इस वारनाकी संधि, देखो कहीं कहीं पुस्तकों में इसको वरना ये भी शब्द लिखा हुआ मिलता है, तो आप दिल पे मत लेना, ठीक है, वारना लिखा हुआ एग्जाम में आए तो वरना, वरना लिखा हुआ है तो वरना, ठीक है। वरना की संधि होती है जिसके तहत जो कोल्हापुर के जो शंभूजी थे, इनको शंभाजी सेकंड के नाम से भी जाना जाता था, शंभूजी थे, ये शंभूजी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, किसकी, शाहूजी महाराज की, किसकी वजह से, बाजीराव फर्स्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर जो इनके सबसे बड़े विरोधी, अपने ही जो शिवाजी के वंशजों में से जो एक वंश निकल के आया था, उन्हीं में से ही जो एक विरोधी हुआ करते थे इनके, उनको भी अब ये संधि के माध्यम से अपने अंडर ले लिया करते हैं। देखो जो संधि हुई थी, दरअसल क्या था, जो यहाँ पर शाहूजी महाराज थे, शाहूजी महाराज की कोई पुत्र नहीं था,
तो यहाँ पर ताराबाई जो थी, ताराबाई इनके पास शाहू जी महाराज के पास आई थी कि ये आपका ही वंशज है, आपका ही खून है, इसको आप पुत्र मान लो अपना। तो वहाँ पर वो अपना वो पुत्र के रूप में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं शंभू जी को, ठीक है, जिस करके ये दोनों की दोनों कहानियाँ साथ में आ जाती है। और फिर आगे चल करके उन्हीं शंभू जी के जो वंशज होंगे वो आकर के पेशवा पद के लिए लड़ना शुरू कर देंगे कि भाई साहब ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम शिवाजी के वंशज हैं, तुम तो शिवाजी के वंशज नहीं हो। तो फिर यहाँ पर पेशवों के लड़ाई के लिए भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएगी। वो कहानी कहीं ना कहीं अब यहीं से बननी शुरू होती है। तो ये तो कुछ इनके अभियानों में से रहा। एक अभियान छोटा सा और लिख लेते हैं, दिल्ली अभियान। वैसे इस दिल्ली अभियान से इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट एक छोटा सा भोपाल को लेकर के क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने अगर ये नहीं लिखा है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इनके अभियानों में एक लास्ट अभियान और देख लेते हैं हम लोग, दिल्ली अभियान, ठीक है। और भाई वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दिया करो, सिर्फ देख करके आगे निकल जाते हो यार। हमारा भी मनोबल बढ़ाओ, साह लाओ हमारे अंदर भी। वीडियो दिल्ली, दिल्ली, अब देखो दिल्ली के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ मालवा, मालवा। मालवा क्यों लिखा आपको अभी स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हुआ क्या था, इस दिल्ली की कहानी भी शुरू होती है मराठों के एक अभियान से। मराठों ने अवध पर एक आक्रमण किया, यमुना नदी को पार करके इन्होंने अवध के ऊपर आक्रमण किया। सआदत खान वहाँ पर उस दौरान यहाँ के शासक हुआ करते थे। ये जो मराठों का अभियान था, मराठों की एक टुकड़ी गई थी मल्लाह राव करके एक उनके जो है बहुत बड़े लीडर रहे, उस टुकड़ी का नेतृत्व किया था मल्लाह राव ने। बट वो जो है टुकड़ी हार जाती है, हार गई, और उसके हार पर जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल बादशाह ने उनका उड़ा दिया मजाक। अब ये बात कहाँ इनको अच्छी लगने वाली थी, ये बात पता चलती मिस्टर पेशवा को, बाजीराव फर्स्ट को। तो पेशवा मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की तरफ कर देते हैं कूच। आप समझ सकते हो दिल्ली में जो मुग़ल बादशाह बैठे हैं, लाखों की सेना अभी उनके पास है, और मात्र 500 घुड़सवार लेकर के चल पड़ते हैं दिल्ली की तरफ। किसी को भनक नहीं, रातों रात दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, बिजली की रफ्तार से अपने वहाँ पर कूच करते हैं। मार्च 1737 की ये बात थी, मार्च 1737 में इन्होंने मात्र 500 घुड़सवारों की मदद से, घुड़सवार लेकर के ये पहुंचते हैं दिल्ली, और 3 दिन तक यहाँ पर डेरा डाल करके रखते हैं। आप समझ सकते हो मुगलों की राजधानी भाई 3 दिन तक डेरा डाल के रखा हुआ है। एक पेशवा ने दक्षिण भारत से आए हुए, इतनी दूर से चले हुए, थके हारे, और तब भी 3 दिन तक यहाँ पर सस्टेन करके रखे हुए हैं अपने आप को। और यहाँ पर जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल बादशाह यहाँ पर भागने तक के लिए मजबूर हो गए थे। यहाँ से मराठों को एक बात स्पष्ट हो गई थी कि मुग़लों का जो शासन है उसकी नींव अब बिल्कुल खोखली हो चुकी है, इसको बड़े आराम से हिलाया और हड़काया जा सकता है इनको। तो यहाँ से एक स्थिति क्लियर होती है। और जो मुग़ल बादशाह थे, कमेंट बॉक्स में बताओ, पहले भी बता चुका हूँ इस दौरान मुग़ल बादशाह कौन थे, बताना मुझको, ठीक है। बहुत लंबे समय तक रहे थे, 48 तक रहे थे वो, नाम बताओ मुझको कमेंट बॉक्स में। ये जो मुग़ल बादशाह थे, इन मुग़ल बादशाह ने दक्षिण भारत में जो वॉइस राय थे, जिसको निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ के नाम से जाना जाता है, उनके साथ बात की और बोला अपनी सेना लेकर आओ, मैं अपनी सेना भेजता हूँ और इन लोगों को धूल चटाते हैं। 1738 में भोपाल के पास अब एक युद्ध होता है, इन दोनों की संयुक्त सेना आती है मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए। यहाँ से अब 1938 में तो यार सुभाष चंद्र बोस जी का टाइम देखेंगे हम लोग, मैं दोबारा 200 साल आगे चला गया। 1738 में भोपाल युद्ध के नाम से हम लोग इसको इतिहास में जानते हैं। एक्चुअल में ये भोपाल में युद्ध नहीं था, भोपाल के समीप था, बट हम लोग इसको भोपाल युद्ध के नाम से जानते हैं। भोपाल युद्ध का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर मराठे जीत जाते हैं, इन दोनों की सेना को हरा देते हैं। मराठे अगर जीत गए तो पलड़ा भारी मराठों का, और संधि होगी तो पलड़ा भारी मराठों का। यहाँ पर एक संधि होती है, संधि का नाम था दुरई सराय। ये जो निकट प्रदेश में बता रहा हूँ, ये वही निकट प्रदेश है,
तुरई, सराय की संधि। भोपाल युद्ध हारने के बाद दुरई सराय की संधि होती है, दुरई सराय की संधि होती है, जिसके तहत जो बाजीराव फर्स्ट थे, बाजीराव फर्स्ट अब डिमांड करते हैं कि पूरा का पूरा जो मालवा की बेल्ट है, पूरी मालवा की बेल्ट हमको चाहिए, जो कि अभी तक अधीन किसके थी, मुगलों के। तो इस संधि से ये जो मालवा प्रदेश था, मालवा प्रदेश, ये पूरा का पूरा मालवा प्रदेश अब किसके, मराठों के अधीन हो जाता है। मराठों के अधीन ये पूरा का पूरा मालवा प्रदेश हो जाता है। अब आप इस चीज़ से समझ सकते हो, मात्र 18-19 वर्ष की उम्र का एक लड़का पेशवा पद की गद्दी को संभालता है और पूरे के पूरे भारत में अपना परचम लहरा देता है। आप समझ सकते हो कि उस दौरान के जो बड़े बड़े शासक लोग होंगे वो किस तरीके से इन लोगों से खौफ खाए हुए बैठे होंगे। अब आप समझ चुके होंगे जो मैंने ये चीज़ें लिखी थी कि मराठों की शक्ति का सबसे चरमोत्कर्ष जो समय था वो इन्हीं के समय क्यों था। गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर व्यक्ति ये है ये अपने युद्धों का कारवा चलाया। योग्य पिता का योग्य पुत्र क्यों कहा शाहू ने, ये आप अब स्थिति समझ सकते हो। लंबा समय भाई साहब के पास नहीं था। 1740 में आकर के इनकी, अप्रैल 1740 में जाकर के इनकी डेथ या फिर मृत्यु हो जाती है। आप समझ सकते हो 40 वर्ष का एक व्यक्ति इतिहास में अपना नाम इस तरीके से दर्ज करके चला गया कि इतिहास में भी उसको स्वर्ण अक्षरों में लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था मिस्टर बाजीराव प्रथम जी का समय कार्यकाल। नेक्स्ट वाले जो पेशवा होंगे, नेक्स्ट वाले पेशवा यहाँ पर इन्हीं के लड़के बालाजी बाजीराव के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं उनके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार मत भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।